हेलो एवरीबॉडी, करंट अफेयर्स के सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज तारीख है 26 नवंबर 2021 और हमारे चैनल्स हैं पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर या फिर बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारी जो वेबसाइट्स हैं ssccgilpinnacle.com और balji.com को भी आप विजिट करें। टेलीग्राम चैनल पर भी हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। फ्रंटियर आईएएस और SSC CGL पिनाकल ऑनलाइन सर्च करके टेलीग्राम चैनल पर हमारे साथ आप जरूर जुड़िए। आपके लिए ले रही हूँ प्रीवियस क्विज के दोनों क्वेश्चंस। पहला देखो, हु रोट द बुक टाइटल्ड 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 ईयर्स? 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 ईयर्स शीर्षक से पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है मनीष तिवारी। ओके, आप में से बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में बिल्कुल राइट आंसर किया है। दूसरा क्वेश्चन था कि नीति आयोग द्वारा जारी SDG शहरी सूचकांक के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो इसके लिए आपका आंसर था शिमला। ये हमारे दोनों के दोनों जो है ये प्रीवियस क्विज के आंसर्स हो गए। अब आ जाइए आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी और फैसला योजना की घोषणा की है? तो बेसिकली ये दो योजनाएं हैं, एक है तेजस्विनी और दूसरी है हौसला, ये कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए हैं? इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। सी जो है इसका राइट आंसर होगा। जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत सारी नई नई योजनाओं की घोषणा की है। जो तेजस्विनी योजना है ये उन लड़कियों के लिए है या उन महिलाओं के लिए है जो 18 से 35 वर्ष के बीच में हैं, और ये उन महिलाओं या लड़कियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए की फाइनेंशियल हेल्प जो है वो प्रोवाइड करेगा। और ये जो हौसला योजना है ये मौजूदा महिला उद्यमियों को उनके संबंधित क्षेत्रों में रोल मॉडल बनने के लिए, सशक्त बनाने के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर वन आंसर है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, मैप में दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए, अगर आप भारत के एक्सट्रीम नॉर्थ में देखते हैं ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है। ओके, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं RK माथुर। अगले प्रश्न पर आ जाइए। ओके, ये देखो यहाँ पर 13वां ACEM शिखर सम्मेलन, इसकी मेजबानी किस देश ने की है? अब ये ACEM क्या है ये भी आपको बता दूं, ये एशिया यूरोप मीटिंग। ओके, ये जो समिट है ये कहाँ पर हुआ? आंसर इसका है कंबोडिया। आंसर हमारा यहाँ पर ए होगा। जो 13वां एशिया यूरोप मीटिंग समिट है उसकी थीम है टू स्ट्रेंथन मल्टीलैटरलिज्म फॉर शेयर्ड ग्रोथ। ये हाल ही में 25 नवंबर से 26 नवंबर को इसका जो है आयोजन, और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है M वेंकैया नायडू, उन्होंने लीड किया इंडियन डेलीगेशन को। 2 दिन का ये ACEM समिट है, वर्चुअली ये ऑर्गेनाइज होगा 25 और 26 को, आप ऐसा कह सकते हैं। और इसको लीड कौन करेंगे, जो जो भारतीय प्रतिनिधिमंडल है उसको लीड कर रहे हैं हमारे उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू। ये जानकारी थी इस प्रश्न के बारे में, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। आंसर हमारा ए है। अब कंबोडिया की बात हुई है, मैप में देख लेते हैं कंबोडिया। अगर आप इंडिया के इस तरफ देखते हैं, यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर में आपको नजर आ रहा है ये कंबोडिया है। कैपिटल यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है और करेंसी है कंबोडियन रियाल। अगला प्रश्न ये भी किताबों से संबंधित है। आपको बुक का नाम दिया गया और पूछा गया बताइए इसके राइटर कौन है, और जो बुक है वो है कुकिंग टू सेव योर लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमारा आंसर है अभिजीत बैनर्जी। अभिजीत बैनर्जी का नाम सुनकर आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, ये जाना माना लगना चाहिए आपको। ये भारतीय मूल के अमरीकी अर्थशास्त्री हैं। साथ ही आपको बता दूं कि इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। इन्होंने किताब लिखी है ये कुकिंग टू सेव योर लाइफ। ओके, अब आपके लिए प्रश्न ये है कि इनको जब ये इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था तो इन्होंने 2 लोगों के साथ और शेयर किया था, आप मुझे उन 2 लोगों के नाम बताएं, साल ही साल वो वर्ष भी बताएं जिस साल इनको इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। आपको इनकी मैं तस्वीर दिखा देती हूँ, ये देखिए ये हैं अभिजीत बैनर्जी। ठीक है, ये अभिजीत बैनर्जी हैं। देखो यहाँ पर इनकी जो बुक है वो सारी आपको नजर आ रही है, विनर ऑफ नोबेल प्राइज। चौथा प्रश्न है बांग्लादेश के बारे में, हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश की पहली स्वदेशी कोविड वैक्सीन का
मानव परीक्षण जो है उसको उसके लिए मंजूरी मिल गई है। आप मुझे बताएं कि बांग्लादेश की जो पहली स्वदेशी कोविड वैक्सीन है उसका नाम क्या है? ओके, उसका नाम है बांगा वैक्स, BANGAVAX, ये इसका नाम है। ये बांग्लादेश की पहली होम ग्रोन वैक्सीन है, इसको अप्रूवल मिल गई है बांग्लादेश मेडिकल रिसर्च काउंसिल से और अब इसका ह्यूमन ट्रायल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक और नाम देख रहे हैं, यहाँ पर नहीं, नजर नहीं आ रहा है, बैन कोविड। ये पहले प्रस्ताव था कि इसका नाम ये रखा जाए बैन कोविड, लेकिन नहीं, इसको अस्वीकार कर दिया गया और इस वैक्सीन का नाम है बांगा वैक्स। ओके, अगले प्रश्न पर चलते हैं, उससे पहले आपको बांग्लादेश दिखा देती हूँ मैं। अगर यहाँ भारत के आप ईस्ट में देखते हैं, यहाँ पर ये कंट्री जो ऑलमोस्ट पूरी तरह भारत से घिरा हुआ है, ये है बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल ढाका है, करेंसी यहाँ पर बांग्लादेशी टका है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि पाकिस्तान से बांग्लादेश जो है कौन से साल में अलग हुआ था, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी। चलिए अगले प्रश्न पर चले, मेरी आदत है आपको काफी सारा रिवाइज करवाते जाना। प्रश्न 5 में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक जो है, ओके, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक दुनिया का सबसे व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक बन गया है? ये 5th क्वेश्चन है। आंसर है यहाँ पर DJP Morgan। ओके, जो वैश्विक वित्तीय नियामक हैं उनके द्वारा JP Morgan कंपनी एक बार फिर दुनिया के सबसे व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक के रूप में उसको जो है फर्स्ट पोजीशन मिली है। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर यहाँ डी है। अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि वो किस केंद्रीय मंत्री ने खनिजों की खोज के लिए प्रत्यायन योजना का ई पोर्टल जो है उसका उद्घाटन किया है? क्वेश्चन नंबर 6, इसके लिए आंसर जो है हमारा वो है प्रहलाद जोशी, ए इज द राइट आंसर। ये कोयला और खान मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, इन्होंने 23 नवंबर 2021 को खनिजों की खोज के लिए जो ई पोर्टल है ऑफ एक्रेडिशन स्कीम उसका इन्होंने उद्घाटन किया है। क्वेश्चन 6, आंसर ए। अगला प्रश्न देखिए, खेलों से संबंधित है ये प्रश्न, नाम यहाँ पर दिया हुआ है दर्शना राठौर का संबंध किस खेल से है? ओके, दर्शना राठौर का संबंध जो है ये कौन से खेल से है, ये आपसे पूछा गया है। ये खिलाड़ी है शूटिंग से संबंधित, आंसर यहाँ सी है। ओके, 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के महिला स्किट फाइनल में दर्शना राठौर ने सेग्निमत सेखो को 4 अंकों से हराया है। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर यहां पर जो है शूटिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न जम्मू कश्मीर से संबंधित, जम्मू और कश्मीर के पर्यटन उद्योगों के समर्थन पर कौन सी योजना केंद्रित है? आपके ऑप्शंस में है शिकारा, तेजस्विनी, हौसला और शिखर। तेजस्विनी और हौसला के बारे में मैं आज ही आपको पहले प्रश्न में बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमारा आंसर जो है, 8 के लिए आंसर हमारा ए है। ओके, अब ये जो शिकारा योजना है इसके तहत कश्मीर घाटी में जो शिकारे हैं उनकी खरीद के लिए और मरम्मत के लिए 15 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी इस शिकारा योजना में। ओके, शिकारा क्या होता है? शिकारा जो है एक प्रकार की लकड़ी की नाव होती है और इसको आप श्रीनगर शहर में जो डल झील है वहां पर ये प्रयोग की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर क्या है? आंसर हमारा है शिकारा। अगले प्रश्न पर आ जाइए, यहाँ पर 9th क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। इसमें पूछा गया है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने, ओके, अम्ब्रेला योजना अक्रॉस को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? ये आपसे पूछा गया है और इसके लिए आंसर है 2021-2026, सी हमारा राइट आंसर है। जो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है CCEA, उन्होंने जो अम्ब्रेला स्कीम अक्रॉस है उसको इसकी 8 उपयोजनाओं के साथ अगले 5 वर्षों तक यानी 2021 से 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। आ जाते हैं 10वें प्रश्न पर। 10वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला शुद्ध शून्य उत्सर्जन यानी कि जीरो एमिशन, नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट बनने वाला है? ओके, कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला शुद्ध शून्य उत्सर्जन हवाई अड्डा होगा? क्वेश्चन नंबर 10, आंसर है नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ए जो है ये हमारा राइट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। ये एयरपोर्ट जेवर गौतम बुद्ध नगर में होगा और आपको मैं बता दूं कि ये जो एयरपोर्ट है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये इंडिया का पहला होगा, इंडिया का फर्स्ट होगा नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट।
आपने जरूर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम सुना होगा। तो जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, वो नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट बनेगा बाय 2030। और पहला कौन सा है? पहला होगा भारत का नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो यहाँ पर आंसर हमारा जो है इस प्रश्न के लिए आंसर हमारा ए है। अब ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। तो आइए आपको मैप में मैं उत्तर प्रदेश दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो राज्य आपको नजर आ रहा है ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ताजमहल है, फेमस डैम और रिवर में नाम आता है रिहांद डैम का, रिहांद नदी पर। नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। कैपिटल लखनऊ है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, और लोकसभा में 80 सीटों के साथ, मैक्सिमम सीट्स के साथ है उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जो है अलग करके अलग राज्य बना था, ठीक है। तो उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग होकर अलग राज्य कब बना था मुझे ये बताइए। और साथ ही उत्तराखंड की, ओके, उत्तराखंड की हाई कोर्ट कहाँ पर है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बताओ। अब हम आ जाते हैं समरी कीवर्ड्स पर। तेजस्विनी और हौसला स्कीम जम्मू कश्मीर के लिए है। 13th एशियान समिट होस्ट की है कंबोडिया ने। ओके, अब कुकिंग टू सेव योर लाइफ के लेखक हैं अभिजीत बैनर्जी। बांग्लादेश की फर्स्ट नेटिव कोविड वैक्सीन का नाम है बांगावैक्स। वर्ल्ड्स मोस्ट सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है जेपी मॉर्गन। ई पोर्टल ऑफ एक्रेडिशन स्कीम फॉर मिनरल्स एक्सप्लोरेशन का उद्घाटन किया प्रहलाद जोशी ने। दर्शना राठौर शूटिंग से संबंधित हैं। टूरिज्म इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए जम्मू और कश्मीर में योजना स्टार्ट की गई शिखर स्कीम। CCEA कंटिन्यूएशन अम्ब्रेला स्कीम अक्रॉस टिल 2021-2026। इंडिया का फर्स्ट नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट बनेगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब हम आ जाते हैं क्विज फॉर द डे पर। इसमें पूछा गया है कि जो पुस्तक है कुकिंग टू सेव योर लाइफ, ये किसने लिखी है और दर्शना राठौर का संबंध किस खेल से है। ओके, तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर आप जरूर क्लिक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और यूट्यूब चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर हमारे साथ जरूर जुड़ें और साथ में ऐप भी डाउनलोड करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।